सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पिक्सार्ट ऐप यूज़ करके आप कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक सिखाने वाला हूँ, यानी कि एक वीडियो में दो फायदा होने वाला है। तो फायदा क्या है वो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको जो है फायदा का पता चलेगा, ठीक है? तो चलिए बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक, आप देख रहे हो DMEJ। सो गाइज, इस टाइप के फोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मॉडल को पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऐड फोटो, तो आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। देन आपको एक बैकग्राउंड इनपुट कर लेना है। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने बैक ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके एक बैकग्राउंड को इनपुट कर लिया। देन इनपुट करने के बाद आपको ऐसे इसको बड़ा कर देना है। देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा ओपेसिटी, देन आपको ओपेसिटी पर क्लिक करके इसको डिक्रीज कर देना है। तो आपको यहाँ पर इसको कहाँ पर रखना है वो आपको देख लेना है, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद अभी आपको ओपेसिटी को आपको 100 कर देना है। सो 100 करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा इरेजर। सो इरेजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा इन्वर्ट। इन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिस्टोर। देन आपको रिस्टोर को साइज को एडजस्ट कर लेना है। देन आपको कुछ इस टाइप से अपना बैकग्राउंड में आपको कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देना है, ठीक है? ताकि जो बैकग्राउंड हम ऐड करना चाहते हैं उस बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड हो जाए। तो आपको भी कुछ इस टाइप से धीरे धीरे से आपको कुछ इस टाइप से गाइस ड्रॉ कर देना है, ठीक है? तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा और आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसको अच्छे तरह से ड्रॉ कर दिया। डेट ड्रॉ करने के बाद अभी आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद अभी आपको यहाँ से डन कर देना है। तो देख सकते हो गाइस, हमारा फोटो काफ़ी गजब का लगा है, ठीक है? बैकग्राउंड एक ही क्लिक में चेंज हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको आपको यहाँ पर दिखाई देगा इफेक्ट का ऑप्शन। देन आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट के कैटेगरी पर चला जाना है, कलर्स। देन कलर्स के कैटेगरी पर यहाँ पर आ जाना है, आपको ह्यू मिलेगा, ठीक है? देन ह्यू को मिलने के बाद आपको कुछ इस टाइप से आपको अपना कलर, कौन सा कलर आप रखना चाहते हो उस कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सो मैं ये कलर रखना चाहता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इरेजर पर क्लिक करना है। इरेजर पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से इन्वर्ट पर क्लिक करना है। देन आपको ब्रश को सिलेक्ट करके साइज को कुछ इस टाइप से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद मॉडल को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से अपना टी शर्ट में आपको कुछ इस टाइप से इसको चला देना है, ठीक है? जैसे कि मैं चला रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही चलाना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी चला लेता हूँ। सो देख सकते हो हमने कितनी अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है? देन ड्रॉ करने के बाद आपको चाहे तो यहाँ से और भी आप दूसरा कलर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं इस कलर यहाँ पर रख देता हूँ। देन रखने के बाद आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। तो देख सकते हो हमारा फोटो काफ़ी गजब का लगा है, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको टूल्स पर क्लिक करना है। देन आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको दिखाई देगा सेचुरेशन। देन आपको इसका सेचुरेशन को डिक्रीज कर देना है और ब्राइटनेस पर जाना है। देन ब्राइटनेस को आपको कुछ इतना तक इंक्रीज
कर देना है। इंक्रीज करने के बाद अभी आपको यहाँ पर सामने दिखाई देगा इरेजर का ऑप्शन, देन इरेजर पर क्लिक करने के बाद आपको इन्वर्ट पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर रिस्टोर ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना फेस में कुछ इस टाइप से आपको चला देना है ताकि हमारा फेस जो है वो वाइट हो जाए। तो आपको भी कुछ मैं जैसा कर रहा हूँ गाइस आपको भी वैसा ही करना है, ठीक है। सो आपका फ़ोटो बहुत ही गजब दिखने लगेगा। थोड़ा टाइम देकर करना गाइस। सो गाइस देख सकते हो हमने फेस को भी अच्छी तरह से यहाँ से वाइट कर लिया, ठीक है। वाइट करने के बाद चाहे तो इससे और भी सैचुरेशन को डिक्रीज कर सकते हो, तो मैं इसको ब्राइटनेस को हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ इतना। उसके बाद अभी आपको यहाँ से डन कर देना है। सो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट हो चुका है, तो अभी आपको क्या करना है अपना सनग्लास पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा ब्रश, देन आपको ब्रश सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है, देन अपने सनग्लास के अंदर आपको इस टाइप से आपको कलर ऐड कर देना है, ठीक है। सो मैं जैसे ही मैं कर रहा हूँ गाइस आपको भी ऐसा ही करना है। सो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा नॉर्मल, देन आपको इसको कर देना है ऐड। सो ऐड करने के बाद देख सकते हो हमारा सनग्लास पर लाइट ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है इस फोटो को सीधा ही सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको HD में सेव करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेव इमेज पर क्लिक करके फ़ोटो को कर लेना है सेव। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो मिलते ही फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।